साथियों का स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता कल भारतीय संसद में जो एग्री ऑर्डिनेंस टेबल किया गया है उससे संबंधित है। जय जवान जय किसान के नारे लगने वाले देश में किसानों की बदहाली का जो दौर शुरू हुआ है उसमें एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार द्वारा किसानों के हक, किसानों की ज़िंदगी और मुश्किल करने के लिए जो ऑर्डिनेंस कल टेबल हुआ है वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुखद है। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के ऊपर ये अत्याचार कर रही है, एमएसपी ऑर्डिनेंस बिल उसका एक जीता जागता प्रमाण है। अगर बात भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की करें तो शिरोमणि अकाली दल, जिनकी काफ़ी समय तक सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में रही, किसानों ने कई बार शिरोमणि अकाली दल को वोट देकर पंजाब में उनकी सरकार बनाई, पर जब किसानों की बारी आई तो शिरोमणि अकाली दल वाले 4 वोट तक नहीं डाल सके। हमारे साथ इस समय भगवंत मान जी हैं जो आम आदमी पार्टी पंजाब से प्रधान है, और इस बिल के विरोध में कल डिबेट होनी है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के हमारे सभी सांसद पूरी तरह से इस बिल का विरोध करते हैं, कल डिबेट में भी विरोध करेंगे, और आम आदमी पार्टी किसानों के हक के लिए, किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरी तरह से इस बिल का विरोध करती आई है और करती रहेगी। आगे की बात माननीय भगवंत मान जी आपके आगे रखेंगे। बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सभी पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत बहुत आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। कल संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और कल बिल पेश हुआ जो खेती ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो किसानों, वैसे बिल में तो ये कहा गया किसानों के लिए क्रांतिकारी बिल है, लेकिन असल में एग्रीकल्चर जो हमारे देश का धुरा है, जो 80% लोग हमारे खेती पर डिपेंडेड हैं, गांव में रहते हैं, उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ये बिल लाया गया है। एमएसपी जो धान की या गेहूं की वो ख़त्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट दे दी गई है इस बिल में कि आप आइए और एग्रीकल्चर जो खेती है सेक्टर है उसको आप डोमिनेट कर लीजिए। इससे पहले मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, बैंकें बेच दी, एयर इंडिया, रेलवे सब निजीकरण कर दिया। अब खेती को भी छीना जा रहा है किसानों से। तो कल ये बिल टेबल हुआ, हमने विरोध किया। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जगह जगह पर किसान जथेबंदियां हर गांव में धरने प्रदर्शन कर रही हैं इस बिल के विरोध में, क्योंकि इस बिल में, इस बिल के पास होने से ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको खेती में, खेती सेक्टर में आने का मौका मिलेगा। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार एकड़ के, 20-20 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बनेंगे और कहीं से भी वो खरीद के फसल और देश में कहीं भी ले जाके उसका स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज वाला बिल आज आ रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम कि जरूरी जो जरूरी वस्तुएं हैं उनका भी ये बिल जो है वो आज पास कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, कितना भी स्टोर कर सकते हो, जब मर्जी उसको बेच सकते हो। तो ये उसी से जुड़ा हुआ बिल है आज वाला भी, आज भी विरोध करेंगे। तो सबसे दुख की बात कल उस समय हुई जब मैं संसद में था, बिल पेश करते समय श्रोमणी अकाली दल, जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, प्रकाश सिंह बादल उसके प्रधान, उसके श्रोमणी अकाली दल बादल बोलते हैं, सुखबीर बादल उनके MP हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर वो सेंटर में मिनिस्टर है, वो दोनों गैर हाजिर थे
उनकी गैरहाजिरी भी किसानों के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का कि आते कल वो विरोध करते इस बिल का कि इस बिल को नहीं आना चाहिए, नहीं टेबल होना चाहिए, नहीं आए वो। इससे पहले जब कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था तब भी हरसिमरत कौर वहां मौजूद थी, तब भी उसने विरोध नहीं किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पक्का पता है कि कल जब वोटिंग होगी तो इतनी जरूरत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दें या पंजाब के किसानों के पक्ष में कोई वोट कर दें। इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसानों के हित बेच दिए हैं बीजेपी के हाथों। जो भी बीजेपी कहती है वो करना पड़ता उनको। वो एक कैबिनेट की मंत्री पद की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पंजाब को गिरवी रख दिया है बीजेपी के पास। अगर हिम्मत है तो कल विरोध करें और कल इस बिल के विरोध में वोटिंग करें। किसानों ने लाखों वोट इनके पक्ष में दिए लेकिन जब किसानों के पक्ष में वोट करने की बारी आई है तो चार वोट हैं इनके, दो उधर हैं राज्यसभा में, दो लोकसभा में, तो चार वोट नहीं दे सकते। इससे बड़ी शर्म वाली बात नहीं होगी इनके लिए। और कल एक और खुलासा हुआ, हम आपको भेज देंगे, सुना भी देते हैं। जब मंत्री जी ने यह बोला कि जब ये बिल इस ऑर्डिनेंस के बारे में इसको लाने की तजवीज चल रही थी तब पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी में शामिल थे जिसने ये कहा, तजवीज किया कि हाँ ये बिल आना चाहिए, तो इसका मतलब कांग्रेस वाले भी और मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और दूसरी मीटिंग में कैप्टन साहब खुद थे। अब कांग्रेस भी ये बताए, अपना स्टैंड स्पष्ट करे वो किस तरफ है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तजवीज हो रही है तो कह रहे हैं हाँ जी ये बिल आना चाहिए। मैं सुनाना चाहता हूँ सिर्फ 20 सेकंड के पहले राज्य के भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो इसमें जग जाहिर है ही है, पर बहुत ज़्यादा झटका इसलिए लगा कि कांग्रेस इस चीज़ का ड्रामा कर रही है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। पर कल केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने अपनी स्पीच में ये बताया कि किस तरीके हाई पावर कमेटी जिसमें 6 स्टेटों के मुखिया शामिल हुए और इस बिल को मंजूरी दी, उसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर वो देख सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मंदों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है। ये देखिए, ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के किसानों को गुमराह कर रही हैं, कांग्रेस और अकाली दल। अकाली दल तो है ही उनके साथ, और कांग्रेस जब बिल की तजवीज की हाई पावर कमेटी बनी थी तब उन्होंने विरोध नहीं वहां किया और अब विरोध कर रहे हैं बाहर से। तो कांग्रेस भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे और अकाली दल भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे, वो किसानों के साथ है जब बीजेपी के साथ है। और कल जब बिल पेश होगा, आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट जो हमारा, वो हरसिमरत कौर के घर के सामने बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और ट्रैक्टर पर फॉर सेल का फट्टा भी लगा होगा, क्योंकि इससे सिर्फ किसान नहीं, इससे खेती से जुड़े हुए आढ़ती है जिनको बोलते हैं कमीशन एजेंट बोलते हैं, आढ़ती है वो खत्म हो जाएंगे। जब बड़े बड़े प्लेयर आ गए उनकी क्या उनके सामने औकात रहेगी। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर मंडी में और जो पल्लेदार और लेबर मजदूर ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कंबाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो MSP खत्म हो जाएगी, किसान को कहा जाएगा कि आप अपनी जमीन इतने सालों के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, लीज पे दो, अगर आपने खेत में काम करने आना है मजदूर बन के तो आ सकते हो वरना आपकी जरूरत नहीं है। मतलब मालिक होकर भी वो मजदूर बन जाएंगे। ये ठेका सिस्टम दोबारा जो पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे, खेती कोई और करता था और उसकी फसल जो है वो कोई और ले जाता था, मुजारा सिस्टम बोलते हैं, वो वाला ला रहे हैं। और पंजाब में अंडानी का एक गोडाउन बन गया है मोगा डिस्ट्रिक्ट में, दो का उद्घाटन हो गया है संगरूर में, 18 बनने हैं टोटल, और पूरे पंजाब की खेती को लूट रहे हैं ये।
और लूट उस समय रहे हैं जब पंजाब के किसानों का मसीहा कहलाने वाले प्रकाश सिंह बादल की पार्टी उस पार्टी की भाईवाल है सरकार में, जिस जो ये बिल लेके आ रही है। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे, कल मौका मिलेगा बोलने का वोटिंग का, इस बिल का विरोध करेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए, खास तौर पे जो पंजाब के सांसद हैं जिन्होंने पंजाब का मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाया है, पंजाब का पानी पिया है, उनकी वफा की घड़ी जो है कल आएगी कि वो वफादार हैं पंजाब की मिट्टी के लिए या नहीं। तो कल मैं थोड़ा जा पंजाबी दे विच भी दस देना, कल ये बिल आऊगा, श्रोमणी अकाली दल बादल दियाँ दो लोक सभा दियाँ जिहड़ियां सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल ते राज सभा दियाँ जिहड़ियां दोनों सीटा ने, मैं उन्हां नूं बेनती करदा। वैसे तो मैं उम्मीद कोई नहीं हैगी, उन्हां च जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने बेचता। जदों कोई बंदा किसी चीज़ का सौदा कर ले तो उहदे च उस चीज़ के विरुद्ध बोलण का कोई हिम्मत नहीं रह जाती। सो जे कल नूं उह विरोध दे विच वोटां पाउण दी हिम्मत नहीं कर सकणगे, पंजाब दे विच उहनां दा पहले ही विरोध हो रहा है, होर भी विरोध होगा। लखां वार किसानां ने उन्हां नूं वोटां पाईआं, पर जदों किसानां दे हक च वोट पाउण दी वारी आई तां इस तों वड्डे शर्म दी गल नहीं हो सकती कि अकाली दल मूँह मोड़ गया, कल गैर हाजिर रहे। गैर हाजिरी भी अद्धी हमायती है, तो कांग्रेस का भी नाम लिया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा कि असीं मुख्यमंत्रियों की हाई पावर कमेटी बनाई सी, उस कांग्रेस है मौजूद सी, पंजाब के मुख्यमंत्री ते मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उदों भी कोई विरोध नहीं जताया गया। सो कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है, लोगों को पहले ही पता सी कि दोनों मिले हुए ने आपस, कांग्रेस के अकाली दल 2017 च भी आम आदमी पार्टी को हराने लिए दोनों इकट्ठे हो गए सी, ते हुण भी ये इकट्ठे ने आपस दे विच, एक दूजे के भाईवाल ने, एक दूजे को बचाते हैं पर उपरों उपरों विरोध करते हैं। पर हुण इन्हां दा जिहड़ा चेहरे नंगे हो जाएंगे, चेहरे इनके असली चेहरे जो जो हैं वो जनता के सामने आएंगे। और पंजाब में ऑलरेडी विरोध चल रहा है, कल भी असी हरसिमरत कौर बादल के घर के सामने बठिंडे ट्रैक्टर मार्च करांगे, साडे वलंटियर ट्रैक्टर लेके जाणगे ते इन्हां दा विरोध करनगे कि तो अज तुसी क्यों नहीं जिहड़ा इस बिल नूं आउण तो रोकिया, पेश होण तो रोकिया, जां इस ऑर्डीनेंस नूं। ऑर्डीनेंस कब आते हैं, जब देश में एमरजेंसी लगी। कोरोना महामारी में खेती के ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या ऐसी मतलब एमरजेंसी आन पड़ी थी। GDP 23.9% माइनस है, हर सेक्टर में माइनस है, सिर्फ खेती सेक्टर है जो पॉजिटिव है 3.2। सिर्फ किसानों ने, अन्नदाता जिनको बोलते हैं, उन्होंने इस आपदा में देश के लोगों को भुखमरी से बचाया और उसी को बेच रहे हैं दोबारा। और संविधान में एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर ये राज्य के विषय हैं, लेकिन ये तीनों हमसे छीने जा रहे हैं। और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। राज्यों को GDP के जरिए पहले ही भिखारी बना दिया, जो GST के जरिए, GST के जरिए पहले ही भिखारी बना दिया। अब GST का पैसा देने से भी सेंटर जो है वो मुकर गया है। तो इसलिए राज्यों को जे अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं। ये भी जो बिल हैं ये उसी का एक हिस्सा है, इसलिए कल हम विरोध करेंगे। आज भी जो जरूरी वस्तुओं का बिल आ रहा है उसका भी हम अभी 3 बजे से 7 बजे तक संसद चलेगी, हम विरोध करेंगे। क्योंकि ये एक तो किसान भी जी फसल ने, खास तौर पर कणक तो झोना, वो MSP खत्म हो जूगी। MSP तो ये कहें MSP रहूगी, MSP तो बाकी होर फसलों की भी है, बाजरे की भी MSP है, मक्की की भी है, पर कदे भी MSP तो बिकते ही नहीं जो कोई खरीददार ही नहीं है। बिल्कुल इस तरह प्राइवेट प्लेयर आएंगे, वह जिहड़े छोटे छोटे आड़ती ने पहले उन्होंने खत्म करके उस तो बाद मोनोपोली हो जू। जिमें Jio, मैं Jio की एग्जाम्पल दे सकता, Jio ने पहला डाटा दिता फ्री, 1 GB डाटा फ्री फ्री, जो कस्टमर बन गए कहें आ जाओ जी हूँ 1 पैसे दो। बिल्कुल सेम होगा जदों सारी प्लेयर खत्म हो गए आले दुआले, कोई आड़ती ना रहा, कोई खरीददार होर छोटा मोटा ना रहा एडे वे अंपायर के मुकाबले, तो फिर उन्होंने मन मर्जी चलूगी, वो अपनी मर्जी के रेट लाएंगे। तो किसान जोड़ा वो अपनी जमीन न मालक होंदे हुए भी वह मालक नहीं रहूगा, ठेका सिस्टम जो मुजाहरा सिस्टम है वह आऊगा। ऑलरेडी पंजाब विरोध हो रहा बहुत जबरदस्त, हरियाणे भी विरोध होया, तुम देखा होना पिछले दिनों पिपली के लाठीचार्ज भी किसानों पर होया। तो अज अन्नदाता जोड़ा वो हक के खड़न का टाइम है। आम आदमी पार्टी लोग सभा
मैं लोकसभा का मैंबर हाँ तो साढ़े तीन मैंबर जिहड़े राज्यसभा ने असी कल इस बिल का विरोध भी करांगे। लोकसभा तो कल आऊगा, राज्यसभा अजे थोड़ा शायद अगले दिन आऊगा, तो विरोध भी करांगे तो वोटिंग भी इस बिल के विरोध करांगे। असी पंजाब के किसानों के हक च खड़े हाँ, पंजाब की मिट्टी च उगया होया अनाज खाने, पंजाब का पानी पीने, तो पंजाब के किसान नाल, अन्नदाता नाल, हरी क्रांति लियाउण वाले नाल असी जिहड़ा वो हक च उहदे खड़ांगे। तो एक होर बिल आ रहा है जम्मू कश्मीर दे विच, यूटी दे विच पंज ऑफिशियल लैंग्वेज का बिल है, उहदे विचों पंजाबी गायब कर, पंजाबी है नहीं जम्मू कश्मीर, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा भारी गिणती च पंजाबियां जिहड़े उत्थे रहिंदे ने, पंजाबी ने, महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर सर कीता सी, तां महाराजा गुलाब सिंह नूं जदों उन्होंने ताजपोशी की सी, तो डोगरी जिहड़ी है ओह बिल्कुल पंजाबी वर्गी बोली है। साढ़े जलंधर दूरदर्शन तो डुग्गर दर्पण प्रोग्राम डोगरी दे भी चलते हैं, तो उहदे चों पंजाबी कढ़ती, सो किते ना किते जाण बुझ के वह पंजाबी, वह पंजाब जिन्हें आज़ादी दे विच 90% कुरबानियां दित्तियां, हरी क्रांति राही देश नूं आत्म निर्भर अनाज दे विच बनाया, उहदी साडी भाषा भी खत्म की जा रही है और साडे किसानां दी खेती भी जिहड़ी है साडे तों खोई जा रही है। कितनी प्यारी, आए हाय जाने क्या खाए, छह महीने में होगा माँ का दूध ही, ना रे ना जरूर खाए कुछ और भी, दीदी चावल का माड़ फिर दाल का पानी, ध्यान से देख है कुछ और कहानी, मुन्नी इसे बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए, यही सब पर छह महीने की हुई अभी तो, अरे तभी तो घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ, छह महीने जब पूरे हो जाए पेट पूजा की घड़ी आए